कम अज़ कम पर्सनैलिटी थोड़ी सी ग्रूम करनी चाहिए, हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए। मैं रात को जो मेरे दिल को चीर गया है बर्लिन ने। अस्सलामुअलैकुम एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग। हाँ, बारिश वाली मॉर्निंग अगेन, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई ये पूरा हफ्ता बारिश का है। भाई आपको ना थोड़ी सी बारिश का सीन दिखाता है। हाँ, इस छतरी ने बचाया हुआ है। और आज जो है ना बारिश थोड़ी सी ज़्यादा शदीद है, मौसम बदलते पता नहीं चलता, और ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। बाकी साथ साथ अब क्योंकि हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन में हम देखते थे विंटर इज़ कमिंग, तो बस विंटर इज़ कमिंग हो रहा है। तो बाकी तुमने मेरे कट कुट तो देख ही लिया है, इन्होंने जो मुझे अमरूद बनाया है ना वो भाई हर जगह यही रोल है। कल से ना मैं बस हर बंदे को नोट कर रहा हूँ उसकी कटिंग कैसी हुई थी है। तब थोड़ी दिल को तसल्ली हुई है कि हर बंदे की ना तकरीबन यही कट है यहाँ पे। भाई इस माहौल के मज़े तो हैं। मतलब मैं तुम्हें एक सच्ची सच्ची बात बताऊँ तो मैंने ना विश की थी इस तरह के एरियाज में आने के लिए। मैं कभी यही कहता था यार अल्लाह उठा के ना नारायण का गान फेंक दे, तो ठंडे माहौल में फेंक दे। ठंडे माहौल का ना अपना ही मज़ा होता है, गर्मी में ना वो चिक 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 सी लगी रहती है, और बंदा इतना मज़ार हुआ होता है ना हर किसी से, बंदा किसी से बात करने जोगा भी नहीं होता। तो ये बेस्ट ऑप्शन है भाई कि आप बारिश आ रही है, माहौल बना, आप इंजॉय कर रहे हो। अगर तो आप वेदर लवर हो ना, फिर तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन हो जाता है कि आप जो है ना अपना मोमेंट इंजॉय करना शुरू कर देते हो। अब एज़ यूजुअल होता है भाई, आज मेरी क्लास जो थी वो 1 से 3 थी। मैं सुबह, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ 8 बजे या 9 बजे के करीब, तो वही बिल्कुल अंधेरा, नहीं पता चलता सुबह हुई है कि नहीं हुई। अलार्म भी बज बज के ख़त्म हो गए थे, मुझे अलार्म का भी नहीं पता चला कि किस टाइम अलार्म बजे हैं किस टाइम नहीं बजे। तो बस वो टाइम गुजारे अपना। अब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि 1 बजे क्लास है मेरी, आज एक ही क्लास है 1 से 3। तो देखते हैं भाई, आज हल्का सलान लेट हो गए हैं, क्योंकि जब बारिश बुरिश आ रही हो ना, मौसम अच्छा हो, फिर नहाने को दिल नहीं करता। बस एक फ़ायदा मैंने कर लिया अपना, बाल छोटे हो गए हैं। अब लाहौरी वाली जो है ना, जैसे लाहौरी नहाते हैं ना, ये मशहूर है कि भाई लाहौरी वाशिंग हो रही है, तो बस हल्के बाल बुल धोए और बस बंदा निकले, पसीना पसीना तो आता नहीं यहाँ पे, चलो बंदा 2 दिन गुजार लेता है। वो यार अब जज करना ना शुरू कर देना कि भाई जहाँ से यूके गया तो नहाता नहीं है। भाई जब से आया हूँ ना डेली बेसिस पे नहाता हूँ, पानी अगर करने भी लगो ना नहाने लगो तो वैसे वो पूरा ही गीला कर देता, आपको नहाना ही पड़ता है। बाकी बंदा नहा इस वजह से भी लेता है, यहाँ पे पानी फुल टाइम गर्म है यहाँ पे, उसका तो रोला ही नहीं है, नहाओ शो आराम से चिल मारो। और दूसरी बात जो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, अब मेरी यहाँ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, जैसे पेस्ट वगैरह छोटी छोटी सी चीज़ें लेके आया था भाई यहाँ पे लिया जो पेस्ट कोलगेट का, उफ मेरे खुद आया। अब पता नहीं हम लोगों के या तो दांत ख़राब हैं या क्या रोल है, मुझे नहीं पता। बहरहाल पाकिस्तान में तो जब भी हम पेस्ट करते थे ना कोई ब्रश वगैरह करना, तो उसने ये करना होता था कि हल्का हल्का से ना ब्लैक सा रह जाता था वहाँ पे दांतों में, दबाने फेरते थे ना, खसूसन दांतों के पीछे जो है ना वो हल्का हल्का सा ना रह जाता था। लेकिन भाई यहाँ के पेस्ट में वाकई नमक है, जैसे एड्स चलती है ना कि क्या आपके पेस्ट में नमक है, भाई इसके पेस्ट में खीर नमक है। इसने तो ऐसे चकचका दिया है ना कि ऐसे ऐसे जैसे हम टीवी में ऐड देखते हैं ना, और दांतों को ऐसे दिखाते हैं और ऊपर से नूर सा गुजरता है, लाइट से गुजरती है भाई। इधर पेस्ट करने के बाद ऐसे मुंह में किसी किस्म की कोई ऑडर नहीं है, बिल्कुल फ्रेश, आपकी जो ब्रेथ है ना बिल्कुल फ्रेश फील होती है। तो कुछ लोग हैं जो पता नहीं ब्रश नहीं करते यहाँ पे ना, अक्सर महसूस होता है लोगों के साथ चलते हुए, तो भाई ब्रश लाजमी करें यहाँ पे, ठीक है। आप लोग भी जो जो देख रहे हैं ब्रश लाजमी करें, यह बंदे के एक पर्सनैलिटी का होता है, समझ लें ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बंदे की। तो आपको अपनी कम अज़ कम पर्सनैलिटी थोड़ी सी ग्रूम करनी चाहिए, हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं क्योंकि पाकिस्तान से तो मैं ये कहाँ से लीक हो रहा है भाई, मैं ना वहाँ से लेके ये नहीं लेके आया था लोशन वगैरह, तो मुझे कल टेस्को से मिल गया था। तो यार लोशन भी यहाँ के बहुत मज़े के हैं, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊँ, वो इतने मज़े की फ्रेगरेंस है ना, और ऐसे मॉइस्चराइज कर देता है ना,
बंदा एक दफा कहता है यार आह सुकून मिल गया भाई, बारिश के भी अपने मजे हैं सच में, है ना, सुकून सा मिलता है। वो कहते हैं ना बारिश जब आती है ना रहमत होती है, यकीन करो पता नहीं यहाँ से कौन से रहमत वाले लोग रह रहे हैं कि हर वक्त ही बारिश होती है यहाँ पे। और वैसे एक बात की जाती है कि आप बारिश में दुआ करें, जो भी दुआ करें वो कबूल हो जाती है। मैं तो भाई अन्य वहाँ यहाँ पर दुआएँ करता हूँ, हम तो भाई फ़ायदा उठा रहे हैं बारिश में दुआ करने का, दुआएँ कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा हर चीज़ में। एक और बात आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता है भाई आजकल मनी हाइस्ट देख रहा है, बड़े जोशो खरोश से देख रहे हैं मनी हाइस्ट। जैसे भाई को गेम ऑफ थ्रोन की लत लगी थी ना, तो भाई बस ऐसे बैठ के मुका दी है। फिर भाई को लत लग गई अर्तुगुल की, तब कोरोना आया हुआ था, आपके भाई ने दिन रात एक करके ना अर्तुगुल जो है ना मुका दी है। आप तो भाई रेगुलर उसके एपिसोड्स देख रहे हैं उस्मान की, तो वो हर जुमेरात की जुमेरात आ जाती है, तो बंदा देख लेता है वो ड्रामा। और अब जो है थोड़ा सा जो है ना आपको ज़रा अंग्रेज़ी टच में जो है ना मनी हाइस्ट देखना पड़ा यार, नशा है पूरा नशा। पहले भी ना लोग कहते थे कि भाई मनी हाइस्ट ना बहुत मज़े का सीज़न है, लेकिन मैं कहता था यार अर्तुगुल के आगे कुछ भी नहीं है, तो मनी हाइस्ट में नहीं देखा। लेकिन अब तो ऐसी लत लगी है ना मुझे, बस अफसोसनाक वाकया ये हुआ है जी मनी हाइस्ट में रात को जो मेरे दिल को चीर किया है, बर्लिन ने ना टोकियो को उठा के बाहर फेंक दिया है, उसे बांधा है रस्सियों से और स्ट्रेचर पर डाल के बाहर फेंक दिया है कि चल बच्चा तू ज़्यादा मेरे सामने टाँ टाँ कर रही थी, चल अब यहाँ से निकलने वाली कर। लेकिन थोड़ा सा हम आगे गए, मुझे बड़ा अफसोस रहा बेचारी टोक्यो को, यार बर्लिन ने क्या किया है यार। बीच में कॉल आ गई, मुझे पता नहीं है वीडियो पता नहीं पॉज हुई है कि नहीं हुई। बर्लिन जो बाजी टोक्यो थी उसको तो बर्लिन ने फेंक दिया बाहर, पुलिस पकड़ के ले गई है, मेरा दिल बड़ा ख़राब हो रहा है। तो रात को मैंने थोड़ी सी एपिसोड और देखी थी, तो ये पता चला है कि प्रोफेसर ने ना बर्लिन को कहा था कि ये भी उनका एक पार्ट था शायद, तो पर मुझे रात को नींद आ गई तो मैं ना प्रॉपरली देख नहीं सका उसको आगे। तो अब क्योंकि वीकेंड है तो अब स्टार्ट करेंगे देखना इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल, देखते हैं भाई जान टोक्यो बीबी का क्या हुआ है। और अब रियो तो आपको पता है कि उसको आग लगी हुई होनी है रियो को, अब रियो क्या करता है, रियो क्या पंगे करता है वो भी हम देखेंगे और अपना वीकेंड जो इन्जॉय करेंगे। जैसे कि आपका भाई निम्कुश को लेके आया था, थोड़ी सी पीनट्स वगैरह लेके आया था कि चलो वीकेंड के लिए अच्छी चीज़ें हो जाए, बाकी खाना शाना बना हुआ अभी तक चल रहा है तो उसका रोला नहीं है। चलो भाइयों आज के लिए इतना काफ़ी, मुझे दीजिए इजाज़त, आपको फिर ज़रा कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।